तो दोस्तों, आप अगर ओपन कैमरा से अपने वीडियो को शूट करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओपन कैमरा के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आपका वीडियो प्रोफेशनल शूट हो बिल्कुल कैमरे जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ओपन कैमरा को इंस्टॉल कर लेना है। देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन कैमरा को इंस्टॉल करके पहले से रखा हुआ है। सिंपली से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ अलाउ मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए, विल आई यूजिंग द ऐप अलाउ पर आपको सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले फोटो वाले मतलब डिफॉल्ट है, फोटो पे हमें रिकॉर्डिंग करना है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं। फिर से यहाँ पे देखिए अलाउ बोल रहा है, अलाउ आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये आगे का आप अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आगे कर सकते हैं, पीछे का अगर बैक में का करना चाहते हैं तो बैक कर सकते हैं, फ्रंट का रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फ्रंट कर सकते हैं। ऊपर देखिए एक सेटिंग का आइकन है सबसे ऊपर कोना में, तो सेटिंग आइकन पर आपको क्लिक करना है, कुछ सेटिंग करना है। सेटिंग आइकन पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर फेस डिटेक्शन, तो उस पर आपको ऑन कर देना है। उसको ऑन करने के बाद टाइमर है, तो टाइमर को आपको जितना सेकंड आप लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जब आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा तो उतना सेकंड के बाद ही आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, उतना सेकंड काउंटडाउन होगा। उसके बाद ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे आना है, यहाँ पर वीडियो सेटिंग पर क्लिक करना है। वीडियो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद ऊपर वीडियो रिजोल्यूशन है, उस पर क्लिक करके फुल HD पर आपको सेलेक्ट कर देना है, जैसे आपका रिकॉर्डिंग फुल HD में रिकॉर्ड हो वीडियो। उसके बाद नीचे आना है, कहीं ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है। ऑडियो सोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। सेकंड नंबर पर है एक्सटर्नल माइक। अगर आप माइक यूज करते हैं तो आप अगर आपके पास माइक है इस तरह का तो माइक भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना होगा एक्सटर्नल माइक पर, उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास माइक होगा इस तरीके का, अगर माइक से आप अपना वीडियो मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, अगर नहीं होगा तो ऊपर देखिए कैम रिकॉर्ड पर, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो मेरे पास माइक है तो हम यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद बैक आ जाना है सबसे स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस मिलेगा। ऊपर देखिए यहाँ पे 3 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लाइट भी आप जला सकते हैं, पीछे का फ्लैश लाइट आपका जल जाएगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फिलहाल अभी। अगर आप कहीं अंधेरे में वीडियो शूट करें तो इससे भी आपका आसानी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसका जो लाइट भी डिस्प्ले लाइट, इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका वीडियो स्टार्ट कर देना है, वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग करना है आपको। बीच वाले इसको टिप देना है, आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काउंटडाउन मैंने 3 सेकंड का लगाया तो ये स्टार्ट हो गया। 3 सेकंड काउंटडाउन के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे एक्सपोजर लॉक पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सपोजर लॉक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से वीडियो को रोक देना है जब तक आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर क्लिक करना है, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा और आप अपने वीडियो को गैलरी में जाकर देख सकते हैं कि आपका किस तरह का वीडियो शूट हुआ। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये, मैं छोटा सा अभी एक वीडियो शूट किया हूँ, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का मेरा वीडियो शूट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।